एक ये कविता है ग्रामोफोन का पुराना रिकॉर्ड, ये उस बिंब को इशारा है, उस कहानी पर मैं एक कविता लिखी है कि जब 78 आरपीएम के रिकॉर्ड में बाइयां अपनी शिनाख्त करवाने के लिए गाने के बाद बताती थी अपना नाम, वो एक कहानी है। इसमें बंद है वो पुराना समय जिसे ग्रामोफोन पर सुनते हुए हम याद कर सकते हैं। 78 आरपीएम का यह रिकॉर्ड पड़ा मिला जिस पुराने बक्से में, अब तक का इतना भर इतिहास था उसके बारे में। दादा की मिर्जई कुछ पुराने ढक के कपड़े रहते थे उसमें, मगर मिल सकता है वहां किसी की पुरअसर आवाज का दस्तावेज, इसे कोई नहीं जानता था घर। अब जबकि ये गोल जादुई सतावा आता है हमारे, इसके सहारे इतिहास के गलियारों में झांक सकते हैं हम, ठहरते हैं थोड़ी देर सन 1910 या 20 या कुछ उस तरह के सालों के दरमियान गुजरते हुए, जब इन अजीबोगरीब दावों की सतह पर दर्ज हुई थी पहली बार कभी आवाज तो कभी समय की नहीं, और इस कोशिश में इस निहायत गैर दुनियादार समाज को पता चला था एकाएक पहली बार बेहद मामूली चीजों के बीच से पैदा होने वाली चमक के बारे में। जैसे पहली बार वे जान पाए थे कि लैला मजनू या सलीम अनारकली के अफसानों की तरह दर्ज हो सकती है उनकी भी साधारण जरूरतों की दिलचस्प दुनिया, कि गाहे बगाहे वे भी देख सकते थे इसमें अपनी आवाज का आईना। आजकल अपने वजूद में अनूठे से लगते इन रिकॉर्डों का कोई मतलब नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि इन्हें सुन सकने का कोई तरीका हम नहीं पाते, इनके तिलिस्म को तोड़ने वाले बाजे अब दुकानों में नहीं आते। मगर इतना जरूर है किसी लुप्तप्राय प्राचीन लिपि के नमूनों की तरह लगती है तबे हमारे अपनों के भूल बिसरा दिए गए स्वजनों के ब्यौरे। इन्हें बूझ पाना हातिम ताई के साथ सवालों को हल करना है, न बूझ पाने की शक्ति में इनके आयतन में उतर कर भांपना। हो सकता है इनमें भरा हो इतना दुख, बुल्ले या बादशाह की बनाई हीर जितनी तड़प भी कम लगे इसे सुनकर। फिर दुख भी यहाँ इतना प्राचीन होगा, बहुत सारी नदियों का पानी बह जाएगा उसमें यक बयक, और नावे चलेंगी दूर तक जिन्हें बनाया होगा प्रेम में धोखा खाई उन औरतों ने जो बरसों से रोना भूल चुकी हो। इनमें अगर कोई रोशनी का पता ढूंढना चाहेगा तो लौटेगा खाली हाथ इससे होकर, जैसे युद्ध में सब कुछ हार कर लौटते हैं सैनिक शिविरों में, जैसे बरसों तक रीते हाथ लौटती रही लाहौर सियालकोट की कंजरियां महफिलों से अपनी उठावनी के बाद विसूरते हुए अपने कंजरी होने का। और इन सबसे अलग बचेगी आखिर में जब कभी इन अनूठे तबों की तारीख की दुनिया, तो अक्सर गाने के बाद बिल्कुल अंत में आएगी एक नील खुशहाल आवाज अपनी पहचान की कांपती सी शिनाख्त कराती, मैं जानकी बाई छप्पर छुरी, मैं अख्तरी बाई फैजाबादी, मैं अनवर बाई लखनवी। इस तरह एक दास्तां शुरू होगी जब हम इसे पुराने ग्रामोफोन पर बजाएंगे। इस तरह एक शाहकार का तिलिस्म टूटेगा जिसे भारत को आज के हुनरमंद पढ़ नहीं पाएंगे।